आज के वक्त में इंडिया में व्हाट्सएप के 400 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, लेकिन मैक्सिमम को व्हाट्सएप के फीचर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में मैंने व्हाट्सएप के 50 प्लस टिप्स ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में बताया है। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कस्टमाइज नोटिफिकेशन के बारे में। आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर आपको व्हाट्सएप करता है तो आपको अलग टोन सुनाई दे, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब व्हाट्सएप में ढेर सारे मैसेज आते हैं तो केयर नहीं करते किसने मैसेज किया किसने नहीं, लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर पर्सन का मैसेज जानना चाहते हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप किया या नहीं, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ग्रुप के लिए कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ग्रुप को ओपन कर लीजिए। 3 डॉट जो बना है वहाँ पे क्लिक करिए, ग्रुप इन्फो पे जाइए और यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यूज कस्टम नोटिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन हाइड थे वो शो होने लगे हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन टोन, यहाँ पर क्लिक करके आपको टोन मिलेंगे। ये सभी टोन हैं, आप किसी भी का भी पार्टिकुलर टोन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद वाइब्रेशन है, डिफ़ॉल्ट ऑन ऑफ शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हैं। पॉपअप नोटिफिकेशन है, आप पॉपअप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या नहीं। ओके, लाइट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के नोटिफिकेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके चैट को ओपन करना होगा, वहां पे जाने के बाद डॉट 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप व्यू कॉन्टेक्ट कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर नाम पे क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। कस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और आपको जैसा बताया है वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप द्वारा भेजे हुए मीडिया यानी वीडियो और इमेज आपको आपकी गैलरी में शो ना हो, यानी डाउनलोड तो हो लेकिन शो ना हो, तो इसके लिए आपको उस पार्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्सन के चैट को ओपन करना होगा और इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया विजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे नो कर देंगे तो इस तरह से आपकी गैलरी में अब इस ग्रुप द्वारा भेजे हुए कोई भी व्हाट्सएप के जो इमेज और वीडियो है वो शो नहीं होंगे। अपने व्हाट्सएप में वॉलपेपर सेट करने के लिए सबसे पहले आप 3 डॉट पे क्लिक करिए, वहां से सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप चैट्स पे क्लिक करिए और नीचे वॉलपेपर शो कर रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि गैलरी में जाकर के आप अपने पर्टिकुलर कोई इमेज चूज कर सकते हैं। सॉलिड कलर में जाकर के आप सॉलिड कलर का यूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है और आप इसे ड्रैग ऐसे करके स्वाइप करके चेंज कर सकते हैं और जो अभी आपको कलर पसंद आए उसे सेट कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप का वॉलपेपर सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, बैक करके यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लू हो गया है। वॉलपेपर में आ जाने के बाद व्हाट्सएप लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड पहले से वॉलपेपर मिलेंगे व्हाट्सएप की तरफ से, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। लाइक टू डाउनलोड व्हाट्सएप वॉलपेपर पैकेज, ओके कर दीजिए, पैकेज डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर देंगे। ये व्हाट्सएप के अपने वॉलपेपर है, ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं, जबकि व्हाट्सएप का अपना एप्लीकेशन है। तो व्हाट्सएप वॉलपेपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप दोबारा व्हाट्सएप पर आ जाइए, वहाँ वॉलपेपर पे क्लिक करिए और व्हाट्सएप लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के वॉलपेपर शो होंगे। ग्रुप वीडियो कॉल करने के लिए आप कॉल पे क्लिक करके, कॉल करने के बाद जब अगले ने कॉल रिसीव किया, जब अगला कॉल रिसीव कर लेगा तो आप प्लस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक करिए, उसके बाद आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को ऐड करना चाहते हैं उसे आप ऐड पार्टिसिपेंट कर लीजिए और ऐसे ऐड करके ग्रुप कॉल में सिलेक्ट कर लेंगे। और इस तरह से आप एक से ज्यादा दो चार चाहे आप कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं एक साथ और कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं या ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप किसी को अपना लोकेशन भेज सकते हैं। लोकेशन भेजने के लिए जो अटैच आइकन बना है उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद लोकेशन पे क्लिक करिए। तो लोकेशन भेजने के लिए आप जब लोकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कई ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपके नियर बाई प्लेस होंगे वो शो होंगे, आपकी करंट लोकेशन शो होगी और आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा कि शेयर लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन वो होता है कि आप कहीं भी जाएंगे आपका लोकेशन पार्टिकुलर बंदे को शो करेगा। और सेंड करंट लोकेशन होगा कि आप जिस इस समय जहां पे हैं आप उस लोकेशन को भेज देंगे। इसके बाद आप कहीं मूव करेंगे तो वो लोकेशन शो नहीं होगी, लेकिन अगर आप लाइव लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको टाइम बताना होगा कि आप कितने समय के लिए लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं, 15 मिनट, 1 घंटा और 8 घंटे का ऑप्शन आता है। करंट लोकेशन अगर आप शेयर करते हैं तो जो भी आपका करंट लोकेशन है वो शेयर हो जाएगा। आप किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते समय बोल्ड, इटैलिक या स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए आपको स्टार बनाना होगा और अपना वो टेक्स्ट टाइप करना होगा और टेक्स्ट टाइप करने के बाद दोबारा जब स्टार बनाएंगे तो ये जो हेलो लिखा है आपने वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने स्टार नहीं बनाया है तो आपको मैं दिखा दूं, आपको इस तरह से हेलो लिखा रहेगा, जबकि पहला वर्ड जो मैंने लिखा था वो हेलो लिखा था, वो बोल्ड बनाने के लिए मैंने स्टार दोनों साइड लगा दिया। इस तरह से अंडरस्कोर करने अगर हम यूज करेंगे हमारा जो वर्ड होगा वो इटैलिक हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए हमें इस आइकन को यूज करना होगा और इसके बाद अपना जो टेक्स्ट होगा उसे टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद दोबारा हम उस पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे और ये स्ट्राइक हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक और स्ट्राइक थ्रू
कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर आप कोई पिक्चर भेज रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू तो आप उस पिक्चर को एडिट कर सकते हो। पिक्चर एडिट करने के लिए आप अटैच आइकन पर क्लिक करिए और गैलरी में जाइए और वहां से जो जिस पिक्चर को आप ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ऐड कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और ये पिक्चर आपका ऐड हो जाएगा। इस पिक्चर को आप क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से आप अप डाउन करके क्रॉप कर सकते हैं, डन हो गया। स्माइली यूज कर सकते हैं और इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जैसा आप चाहें। इस स्माइली का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो अप डाउन करके जो आपको राइट साइड में कलर बार दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पे भी वो सो कलर चेंज होते जाएगा। अगर आप इस स्माइली को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग प्रेस करिए और ऊपर आपको बिन दिखाई दे रहा है वहां पर ले जा करके ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप पिक्चर में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद अगर आपको कलर चेंज करना है तो जो राइट साइड में कलर बार है उस पर आप क्लिक करिए जहाँ पे भी, या ड्रैग करके चले जाइए जो कलर आपको पसंद है वहाँ पे छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो टी बना हुआ है उसको टाइप करिए, जितनी बार आप टाइप करेंगे अलग अलग फॉन्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5। सबसे लास्ट में आपको पेन का आइकन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप जो भी चाहें लिख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप एक बार फिर से कलर बार पे क्लिक करके अपना कलर चूज कर सकते हैं। इस पेन की थिकनेस को चेंज करने के लिए आपको कलर बार पे उंगली रखना है, आपको जो पेन बना था वहां पे आपको डॉट दिख रहा है और जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे आपका जो डॉट था वो बड़ा होता जाएगा, तो इस तरह से उसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी। यानी आप अपने फिंगर का यूज करके जो आप बनाएंगे डूडल वगैरह या फिर टाइप करेंगे या लिखेंगे जो भी, उससे आप उसकी थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर ग्रुप या कॉन्टेक्ट के साथ रेगुलर चैट करते हैं या टच में रहते हैं तो उसका शॉर्टकट आप होम स्क्रीन पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको उस पार्टिकुलर ग्रुप को ओपन करना होगा या चैट को ओपन करना होगा और उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके आप मोर इन्फो में चले जाइए, वहाँ पे एड शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। होम स्क्रीन पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट शो होगा, तो आप जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप चैट में चले जाएंगे। आप अपने स्टेटस शेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपके स्टेटस देखेगा और कौन नहीं देखेगा। इसके लिए आपको स्टेटस में जाना होगा, स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं और आपको इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन है माई कॉन्टेक्ट्स, यानी आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं सिर्फ उनको आपका स्टेटस शो होगा। दूसरा है माय कॉन्टेक्ट्स एक्सपेक्ट, इसका मतलब है आप इसमें से जिन लोगों को चूज करेंगे उनको आपका जो स्टेटस है वो शो नहीं होगा। इन लोगों को चूज करने के बाद जब आप ग्रीन टिक पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद स्टेटस शेयर करेंगे तो उनको आपका स्टेटस शेयर नहीं होगा, डिस्कार्ड कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है ओनली शेयर विद, इस पे क्लिक करके आप जिसको जिसको क्लिक करेंगे सिर्फ उन्हीं को आपका स्टेटस शो होगा। किसी को वॉइस मैसेज भेजने के लिए आपको माइक पे क्लिक करके होल्ड करना पड़ता है और इस तरह से आप अपना जो मैसेज होता है उसे आप रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसे होल्ड नहीं करना चाहते तो ऊपर की तरफ जो लॉक बना हुआ है उसकी तरफ स्वाइप करके और छोड़ दीजिए और इस तरह से आपका जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड होता रहेगा और आपको होल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको कैंसिल का ऑप्शन रहता है, अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे, अगर आप इसे भेजना चाहते हैं तो सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और आप सेंड कर देंगे। जब आप होल्ड करके रिकॉर्डिंग करते हैं ऑडियो को तो आप लेफ्ट स्लाइड करके रिकॉर्डिंग को कैंसिल कर सकते हैं, जहां पे आपको शो कर रहा है कि स्लाइड टू कैंसिल, तो आप जब लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा। अगर आप किसी ग्रुप में हैं और किसी पार्टिकुलर को रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसके चैट को आप राइट स्वाइप कीजिए इस तरह से और आपके लिए इंस्टेंट रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप मैसेज टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। आप किसी ग्रुप मेंबर को प्राइवेटली रिप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जिसको रिप्लाई करना चाहते हैं उसके चैट को टाइप कर लीजिए और उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके रिप्लाई प्राइवेटली पे चले जाइए और यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर दीजिए और जब आप ये मैसेज भेजेंगे तो उसको अलग से मैसेज मिलेगा ग्रुप से बाहर। अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज करते हैं आप रिप्लाई करते समय स्टिकर वगैरह भेज सकते हैं। इसके लिए आप जब आप टाइप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टिकर आइकन पे क्लिक कर दीजिए और आपको ढेर सारे स्टिकर दिखते हैं। इन सब के अलावा आज अगर आप प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, योर मैनेज, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके अपना पार्टिकुलर स्टिकर बना सकते हैं जो आपकी तरह दिखेगा और आप उसका यूज कर सकते हैं रिप्लाई वगैरह में। रिप्लाई करने के लिए आप जिफ इमेज का भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप जिफ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको ढेर सारे जिफ मिलेंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च पे क्लिक कर दीजिए, आपको आपको ढेर सारे जिफ इमेज मिल जाएंगे। को एडिट भी कर सकते हैं, इस पे इमोजी वगैरह अपना लगा सकते हैं। किसी ग्रुप या कॉन्टेक्ट का कोई मैसेज अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उस मैसेज को स्टार कर सकते हैं, जिसे आप बाद में स्टार मैसेज के थ्रू देख सकते हैं। स्टार करने के लिए आपको जो भी मैसेज आपको स्टार करना हो उस पर टाइप कर दीजिए, अब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको स्टार का आइकन ऊपर बन के आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये मैसेज स्टार हो चुका है, नीचे आपको नीचे यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा है कि जस्ट बगल में एक छोटा सा स्टार दिख रहा है। इस मैसेज को देखने के लिए जब आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको स्टार मैसेज शो होता है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे जिस मैसेज को भी आपने स्टार किया है वो सभी शो होंगे। स्टार को हटाने के लिए आप टाइप कीजिए लॉन्ग प्रेस करिए और
टैब पे क्लिक कर दीजिए और इस तरह से हट जाएगा। जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे आप क्लिक करके सभी जो भी पार्टिकुलर मैसेज होंगे या सभी मैसेज होंगे उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में प्रीव्यू शो नहीं करना चाहते, यानी आप नहीं चाहते कि जो मैसेज व्हाट्सएप में टाइप होकर के आता है वो ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन में शो हो, तो इसके लिए आप सेटिंग में जाकर के नोटिफिकेशन को पॉपअप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए और अकाउंट नोटिफिकेशन में जाकर के पॉपअप नोटिफिकेशन जो है वहां पे नो पॉपअप कर दीजिए। अगर आप शो करना चाहते हैं तो ऑलवेज शो पॉपअप कर सकते हैं। तो अगर आप ऑन स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर क्लिक करिए, ओनली व्हेन स्क्रीन इज ऑन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा भेजा हुआ मैसेज किसी ने कब ओपन किया या पढ़ा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपने जो मैसेज भेजा उस पर लॉन्ग प्रेस करिए और थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करके इन्फो पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे सीन और डिलीवर्ड दोनों टाइम और डेट शो करेगा, यानी कितने बजे मैसेज पहुंचा और कितने बजे अगले ने सीन किया। आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी व्हाट्सएप से डिमांड कर सकते हैं। इसके लिए आप सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद अकाउंट में जाइए और रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर दीजिए। जब आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, 3 दिन बाद आपको रिपोर्ट भेज देंगे। अगर आप अपने व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, यानी किसी दूसरे नंबर से आप व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं, तो आप सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाकर के अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज नंबर का ऑप्शन आता है उसे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला है ओल्ड नंबर और दूसरा है न्यू नंबर। आप ओल्ड नंबर टाइप कर दीजिए और न्यू नंबर टाइप कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट जब आप करते हैं, जब आप नेक्स्ट करते हैं तो नोटिफाई कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन आता है। जब आप नोटिफाई कॉन्टेक्ट्स पे को ऑन कर देते हैं तो जितने भी कॉन्टेक्ट्स होंगे, पहला ऑप्शन है ऑल कॉन्टेक्ट्स, जितने कॉन्टेक्ट होंगे सबको मैसेज जाएगा कि आपने ये नंबर जो था अब इस पे चेंज कर दिया है। अगर आप किसी पार्टिकुलर चैट या कॉन्टेक्ट के मैसेज को म्यूट करना चाहते हैं, यानी उसका नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते, तो उस ग्रुप या कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन आता है उसे क्लिक कर दीजिए। आप कितने देर के लिए म्यूट करना चाह रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, 8 घंटे, 1 हफ्ते, 1 साल। और आपको ऑप्शन आ रहा है शो नोटिफिकेशन, बाई डिफॉल्ट ये सिलेक्ट नहीं होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ शो हो और ऑन न हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप 3 डॉट पे क्लिक करिए और पहला ऑप्शन है न्यू ग्रुप, और यहाँ पे आप जितने लोगों को चाहेंगे सेलेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और न्यू ग्रुप पे सिलेक्ट कर लीजिए। के बाद जितने लोगों को आप ऐड करना चाहें नए ग्रुप में उसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड करिए, ग्रुप का सब्जेक्ट वगैरह टाइप करके एक नया ग्रुप बना सकते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप ने 5 से ज्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करने से रोक दिया है, यानी आप एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप ब्रॉडकास्ट सर्विस का यूज कर सकते हैं। इसके ब्रॉडकास्ट का यूज करने के लिए आप 3 डॉट पे क्लिक करिए, न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप 256 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको मैसेज टाइप करना है वो आप मैसेज टाइप करके फाइल या मीडिया ऐड करके आप उनको पार्टिकुलर मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों से परेशान है कि वो अक्सर आपको किसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो इससे बचने का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आप 3 डॉट पे जाकर के सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पे अकाउंट में जाने करके प्राइवेसी में चले जाइए। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको ग्रुप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हु कैन एड मी टू ग्रुप, एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट। तो जो भी आप चूज करेंगे उस हिसाब से आपको ग्रुप में ऐड किया जा सकता है या नहीं, और उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। आप अपने व्हाट्सएप का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब जो ये व्हाट्सएप जो हिंदी इंग्लिश में दिख रहा ना वो हिंदी में दिखने लगे या फिर बंगाली या उड़िया में दिखने लगे, तो ऐसा करने के लिए आप सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाकर के चैट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको मिलता है ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन। इस पर क्लिक करके जब आप हिंदी कर देते हैं तो इस तरह से जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे थे अभी तक इंग्लिश में, अब वो हिंदी में हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप के लैंग्वेज को बदल सकते हैं। अगर आप किसी को ऑडियो मैसेज भेज रहे हैं और आप भेजने से पहले सुनना चाहते हैं कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है, तो इसके लिए आप जो ये माइक बना हुआ है उस पर क्लिक करिए और इसको लॉक की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है आराम से। ऑडियो रिकॉर्ड होने के बाद आप जब उसे सुनना चाहते हैं तो आप बैक कर दीजिए। बैक करके बाहर आने के बाद जब वापस जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बिन का ऑप्शन बनेगा और ये प्ले का ऑप्शन बनेगा, और आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है। अगर आपको सही लगता है तो आप सेंड कर दिए, अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप इसे डिलीट कर सकते। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को डायरेक्टली फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप एक स्टेटस बना लीजिए और शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डॉट बना हुआ और यहाँ शेयर टू फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे शेयर कर सकते हैं।
किसी चैट को आप टॉप प्रायोरिटी के लिए पिन कर सकते हैं। इसके लिए आप उस कॉन्टेक्ट या ग्रुप को लॉन्ग प्रेस करिए और ऊपर पिन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो कॉन्टेक्ट था वो ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर टॉप पे। तो इस तरह से आप किसी ग्रुप या कॉन्टेक्ट को पिन कर सकते हैं। अनपिन करने के लिए उसे दोबारा लॉन्ग प्रेस करिए और अनपिन पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो चैट है वो अनपिन हो गया। स्टेटस में आप वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज का यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा अपना खुद स्टेटस बना सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जो पेन आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको टाइप स्टेटस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर दीजिए, जो भी आपको टाइप करना हो। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार नया नया कलर शो होगा। आपको जो कलर पसंद आए उसका यूज करिए। इसके बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जितनी बार आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अलग अलग टेक्स्ट शो होंगे, तो जो टेक्स्ट आपको पसंद आए उसे छोड़ दीजिए, अच्छा लग रहा है। आप इसके अलावा स्माइली का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप एक खूबसूरत स्टेटस बना सकते हैं। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और किसी पार्टिकुलर बंदे को रिप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप @ यूज कर लीजिए। @ जब आप जो ही आप टाइप करेंगे आपको सभी कॉन्टेक्ट शो होंगे। आप जिसको भी रिप्लाई करना चाहते हैं उसे क्लिक कर लीजिए और उसका नाम शो होने लगेगा। उसके बाद आप मैसेज टाइप कर दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप को डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे ओपन करने के लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जो तीसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको स्कैन करने का ऑप्शन शो होगा। अब आप अपने डेस्कटॉप पे web.whatsapp.com ओपन करिए। आपको एक QR कोड शो होगा और उस QR कोड को इससे स्कैन करिए। जो ही स्कैन करेंगे आप लॉगिन कर जाएंगे अपने डेस्कटॉप में, अपने ब्राउजर में लॉगिन कर जाएंगे और अपने व्हाट्सएप का यूज आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। अगर आप किसी को ये नहीं बताना चाहते कि आप लास्ट टाइम में कब व्हाट्सएप ओपन किया था, तो इसके लिए आप 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आप अकाउंट में जा करके प्राइवेसी पे क्लिक कर दीजिए। जो सबसे पहला ऑप्शन है लास्ट सीन, यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको 3 ऑप्शन आते हैं, एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट्स, नोबॉडी। जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब हर कोई जान सकता है कि मैंने लास्ट टाइम में कब विजिट किया था व्हाट्सएप। दूसरा है सिर्फ जो मेरे कॉन्टैक्ट्स है सिर्फ वही देख पाएंगे और नोबॉडी कोई नहीं जानता। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप किसी को अपना लास्ट सीन नहीं शो करते हैं तो आप भी किसी का लास्ट सीन नहीं देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप प्रोफाइल पिक्चर को भी सेट कर सकते हैं कि आपका प्रोफाइल पिक्चर कौन देखेगा। अबाउट मी के बारे में भी ठीक ऐसा ही है और स्टेटस के बारे में भी आपके पास ऑप्शन सेम आते हैं, जिन्हें मैंने पहले भी बताया है। किसी कॉन्टेक्ट को ब्लॉक करने के लिए आप उस कॉन्टेक्ट को ओपन करिए और उसके इन्फो में चले जाइए और सबसे नीचे आने के बाद आपको ब्लॉक ऑप्शन होता है, वहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करके ब्लॉक कर दीजिए। और इस तरह से आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक करने के लिए आप दोबारा इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं और अगला उस मैसेज को ओपन करता है तो वहाँ पे डबल ब्लू टिक बन जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि आपने किसी का भेजा हुआ मैसेज पढ़ा है या नहीं, तो इसके लिए आपको प्राइवेसी सेटिंग करनी पड़ेगी। 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए, सेटिंग में जाइए और अकाउंट में जाकर के प्राइवेसी में चले जाइए और यहाँ पे रीड रिसिप्ट को जो ग्रीन है उसे ऑन है जो उसे ऑफ कर दीजिए। अब आप जो भी मैसेज पढ़ेंगे उसका स्टेटस किसी को शो नहीं होगा, यानी आपने मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आप भी किसी का रीड रिसिप्ट नहीं जान पाएंगे। अगर आप अपने व्हाट्सएप में ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो 2-स्टेप वेरिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करिए यहाँ पर और सेटिंग में चले आइए। सेटिंग में आने के बाद आप अकाउंट में जाकर के जो यहाँ पे 3rd ऑप्शन है 2-स्टेप वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जब आप अनेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करने के लिए मिलेगा। आप पासवर्ड सेट कर दीजिए और फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा और उसके बाद एक बार फिर से आप कंफर्म कर दीजिए और इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना पड़ेगा। जब आप ईमेल आईडी टाइप करेंगे तो आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा ईमेल आईडी टाइप करना पड़ेगा और सेव जब आप कर देंगे तो ये ईमेल आईडी आपके बैकअप के तौर पे काम करेगा अगर आप भूल जाते हैं अपना पासवर्ड। तो इस तरह से आप अपना 2-स्टेप वेरिफिकेशन सेट कर सकते हैं। अब आप जब भी किसी नए डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपको यही पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप दिए हुए ईमेल आईडी का यूज करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आप दिए हुए कीबोर्ड में जो इंटर बटन है यहाँ पे, इसे आप सेंड बटन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाकर के आप जब चैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इंटर इज सेंड, इस पे इसको अनेबल कर दीजिए। अब आप जब बैक आते हैं और किसी को रिप्लाई करने जाते हैं, जब मैसेज टाइप करते हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन जो इंटर था वो सेंड बन चुका है। अब आप इस पे क्लिक करते हैं, मैसेज सेंड हो जाता है। व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में अपने एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिया है। उसको अनेबल करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करिए और सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाकर के अकाउंट पे क्लिक करिए और प्राइवेसी पे क्लिक कर दीजिए। सबसे लास्ट में आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करिए और अनेबल करिए। जब आप अनेबल करेंगे तो आपको टच द फिंगरप्रिंट सेंसर कहेगा और आप जो ही टच करेंगे अनेबल हो जाएगा।
अब आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिकली कितने देर के बाद लॉक होगा, तुरंत, 1 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद। आपको जो भी ऑप्शन सुटेबल लगे हैं उनका यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी का व्हाट्सएप लेकर के ये देखना चाहते हैं कि वो किस ग्रुप में या किस कॉन्टेक्ट के साथ कितना ज्यादा इंटरेक्ट करता है या रिप्लाई करता है, बातचीत करता है, तो इसके लिए 3 डॉट पे जाकर के सेटिंग में चले जाइए और डेटा स्टोरेज पे क्लिक करके स्टोरेज यूजेस पे क्लिक कर दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि जितना भी आपका कॉन्टेक्ट है, जिससे भी आपने जितना ज्यादा शेयर किया है डेटा और बातचीत किया है, वो आपको शो होने लगेगा। आप अपने व्हाट्सएप के लिए नोटिफिकेशन लाइट चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाइए, नोटिफिकेशन में जाकर के लाइट पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कलर कि आपका नोटिफिकेशन किस में शो होगा। व्हाट्सएप में आप फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेटिंग में जाकर के चैट में चले जाइए और यहाँ पे फॉन्ट साइज पे क्लिक कर दीजिए। मीडियम, स्मॉल और लार्ज का ऑप्शन आएगा, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट करने के लिए सेटिंग में जाकर के अकाउंट में चले जाइए और डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करके कंट्री सिलेक्ट करिए और अपना मोबाइल नंबर टाइप करके डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप का बैकअप बनाना है तो सेटिंग में आकर के चैट में चले जाइए और यहाँ पे चैट बैकअप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको इंक्लूड वीडियो का भी ऑप्शन आता है, आप इसे पहले क्लिक कर लीजिए और फिर बैकअप पे क्लिक करिए। अब आपको बैकअप कहाँ पे शेयर करना है वो आप चूज कर लीजिए। बैकअप ओवर आप नेटवर्क से चूज कर सकते हैं कि वाईफाई या फिर वाईफाई और सेलुलर का ऑप्शन है, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। गूगल अकाउंट सेलेक्ट करके आप अपने गूगल ड्राइव पे इसे सेव कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल या डिलीट किए बिना अपने सारे चैट्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग में आकर के चैट्स में चले आइए और यहाँ पे चैट हिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिए। डिलीट ऑल चैट्स पे क्लिक करके आप सारे चैट को डिलीट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है और आप खुद ही अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप का पहले बैकअप बना लिए जैसे कि मैंने बताया, और उस बैकअप को आप ड्राइव पे सेव करिए, गूगल ड्राइव पे सेव करिए, और उसके बाद अपने अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। अकाउंट डिलीट करने के बाद आप दोबारा उसी मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करिए, और जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास बैकअप है, तो आप यस करके और अपने बैकअप को ड्राइव से रिस्टोर कर लीजिए। और इस तरह से जब आप दोबारा रिस्टोर कर लेंगे, जितने भी कॉन्टेक्ट के द्वारा ब्लॉक किए गए होंगे, सभी जगह आप आराम से चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैसेज वगैरह कर सकते हैं। यानी आप अपने आप को ही खुद अनब्लॉक कर चुके हैं, इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी, आपको 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स।